आरुष, गौतम, अजय, गौतम नामक युवक नौकरी के लिए गए थे विदेश। लखनऊ से काम के लिए दोनों युवक मलेशिया गए थे। 26 मार्च को नौकरी करने के लिए फ्लाइट से गए थे। पीड़ित परिवार ने विदेश मंत्रालय से लगाई न्याय की गुहार। रॉबिन सिंह नामक व्यक्ति दोनों को लेकर गया था। वहीं मलेशिया पहुंचकर दोनों के साथ की जा रही मारपीट। पीड़ित परिवार का कहना, हथियारबंद लोगों ने दोनों का कर लिया अपहरण। अपहरण कर दोनों को म्यांमार के मेवाड़ी में स्थित कंपनी ले जाया गया है। कंपनी पहुंचते ही दोनों के मोबाइल भी छीन लिए गए हैं। कंपनी में कहा गया कि हमको $7,000 में खरीदा है। कंपनी ने करीब 500 लड़के लड़कियों को बनाया गया बंधक। बंधक बनाकर सभी से फ्रॉड का काम कराया जा रहा है। अजय ने किसी तरह अपना मोबाइल फोन छुपाकर परिवार को बताई दर्द भरी कहानी। आरुष व अजय के परिवार विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्री से बेटी को बचाने की लगा रहे गुहार। मैडम, क्या मामला है? आपके परिवार का कोई व्यक्ति विदेश गया था, उसके साथ क्या घटना हुआ? मेरा भाई यहाँ से जो है जा रहा था मलेशिया, और उसको जो है म्यांमार में होटल में रखा गया। उसके बाद में वहाँ से जो है उसको किडनैप कर लिया गया। बंदूक की नोक पर उसको किडनैप कर लिया। वहाँ जो है साइबर फोरेंसिक का काम कराया जाता है। वो लोग मारते पीटते हैं और कुछ लोगों की टांगें तोड़ के जो है वहाँ प्लास्टिक की टांग भी लगवाते हैं। ये सिचुएशन वहाँ की है। और हमारे भाई जो हैं दोनों कह रहे हैं कि जल्दी हमको बचा लो, यहाँ से निकाल लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब सरकार एक्शन लेगी क्या? और सर, एक महीने से दौड़ रहे हैं सभी लोग, घर के परिवार के सब लोग दौड़ रहे हैं। कोई आगे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कोई नहीं बता पा रहा बच्चों को कितने दिन में लाया जाएगा। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इतना परेशान। आपको कैसे पता चला उसके साथ वहाँ पर मारपीट हो रही है? वो उन्होंने जो है चार फोन उसके पास थे, तो तीन फोन जमा कर लिए। तीन लोग थे, तीन फोन जमा कर लिए, तो एक फोन उसके पास चोरी से रह गया। उसने जो उस फोन से उसने घर वालों को सूचना दी कि मतलब कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, नहीं तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता कहाँ गए हैं। इसकी शिकायत आपने एम्बेसी में हमने यहाँ राजनाथ जी से मतलब वहाँ भी संपर्क हुआ है। उन्होंने विदेश मंत्रालय भी भेजा है। वहाँ से ये फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि मतलब एम्बेसी को कांटेक्ट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ से कोई सूचना अभी तक नहीं आई है कब बच्चों को निकाल के लेके आया जाएगा। कितने दिन हो गए लगभग? एक महीने से दौड़ रहे हैं सब लोग, पूरे घर वाले, पूरे परिवार वाले एक महीने से दौड़ रहे हैं। कोई सूचना, कोई कुछ नहीं मिल पा रही। बच्चे बोल रहे हैं कि सरकार से ये पूछो कब लाएगी। हम लोग बहुत एक दिन एक साल की तरीके से गुजर रहा है। हम लोगों का सिचुएशन बहुत ही खराब यहाँ की है। कब मार डाले कोई भरोसा नहीं। कितने लोग गए हुए थे सब साथ? तीन लोग गए हुए थे, तो एक लोग को बहुत मारा है बेटा। जब किसी काम का नहीं बचा है तो उसको जो है भेज दिया है। 8,14,000 रुपया लिया है उससे, बहुत मारा है और टांग दिए थे उसको। और इतना चार पाँच लोग मारते हैं, जब वो थक जाते हैं तब छोड़ते हैं बच्चों को। बच्चे की सिचुएशन बहुत ही खराब है सर, बचा लीजिए उन बच्चों को।